हेलो गाइस, सत श्री अकाल जी सारेनु, वेलकम बैक टू द चैनल। कल देखी मैंने एक ऐसी मूवी जिसको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बॉलीवुड हमें हीरोपंती 2 से भी ज्यादा वाहियात फिल्म बना के दे सकता है, जिसका नाम था लाइगर। मतलब मूवीज की परफॉर्मेंसेज इतनी ज्यादा बकवास थी, डायरेक्शन के नाम पे हगा गया था और एडिटिंग के तो मैं क्या ही बोलूं। इस मूवी को देख के मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि इससे वाहियात मूवी 2022 में तो नहीं आ सकती। बट मूवी के लीड रोल में है विजय देवकोंडा और अनन्या पांडे, जिनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। मूवी की सपोर्टिंग रोल में है रोनित रॉय और स्पेशल अपीयरेंस में है चंकी पांडे और माइक टायसन। बात की जाए रोनित रॉय की परफॉर्मेंस की, तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बट अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी वो इस मूवी को नहीं बचा पाएंगे। मतलब मूवी की स्टोरी इतनी ज़्यादा फ्लैट है और ना ही अपने ऑडियंस से कनेक्ट करती है और ना ही मूवी में इतनी डेप्थ है कि हम लोग उस मूवी से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा इस मूवी की लीड अनन्या पांडे को कि इनको इस मूवी में रोल कैसे मिल गया। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ना इनका पेयर जो है लीड हीरो के साथ अच्छा लग रहा था, ना इनकी एक्टिंग में डेप्थ थी, ना ही ये अपने करेक्टर के साथ कनेक्ट हुई। और इतने क्रिंजी डायलॉग्स इन्होंने पूरी मूवी में बोले कि मैं तो सर पकड़ के बैठा था कि यार ये इस मूवी में है क्यों। मतलब अगर ये रोल किसी दूसरी एक्ट्रेस को दिया जाता और इस रोल को ढंग से निभाया जाता तो आज इस मूवी की स्टोरी कुछ और होती। एक छोटा सा कैमियो है एक लेजेंडरी बॉक्सर माइक टाइसन का, जिनके नाम पे इस मूवी को बेचा जा रहा था, मगर उनका इस मूवी में कोई खास रोल नहीं है। अगर आप माइक टाइसन के फैन है तो इस मूवी को देखने ना ही जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपको विजय देवकोंडा से माइक टाइसन पिटते हुए दिखेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को स्टोरी शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्टोरी है एक एमएमए बॉक्सर की जो स्टैमर करता है और उसकी जर्नी की कि वो कम से कम रिसोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग लेके इंटरनेशनल फाइटर कैसे बन जाता है। और इस स्टोरी को इतने क्रिंजी तरीके से घुमाया गया है और अनन्या पांडे ने इस मूवी में जो काम किया है उसके बाद तो इस मूवी का फ्लॉप होना तय था। मतलब इस मूवी को चाह के भी विजय देवकोंडा नहीं बचा पाता। ये वही एक्टर है जिन्होंने अर्जुन रेड्डी में हमें इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि आज ही हमें वो परफॉर्मेंस याद आती है। बट उसके बावजूद इस मूवी में मैं ये मानता हूँ कि उनको इस रोल को देख के चुनना चाहिए था, क्योंकि ऐसी मूवीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं सुल्तान और तूफान के रूप में, जो मूवीज आज तक हम लोगों को याद है और आज भी उन मूवीज का हम लोगों पे इम्पैक्ट है। मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात बोलूंगा कि इस मूवी को जाके देखने में अपना टाइम और पैसे ना वेस्ट करें, इस मूवी को ओटीटी पे रिलीज होने का वेट करें और उसी पे इस मूवी को देख लें। और इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 1 स्टार, क्योंकि इस मूवी में कुछ भी नहीं है, आप मत देखो। इस मूवी पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टाटा।